अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बची हुई रोटी से झटपट और आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी, रोटी का चूड़ा। चलिए स्टार्ट करें। मैंने बची हुई 3 रोटी ली है, इस तरह की रोटी लेंगे। अब उसे हम मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किस तरह पीसा है, इसी तरह आप उसे अच्छी तरह पीस लें। मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है। अभी कढ़ाई में मैं 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें 2 बड़ी प्याज बारीक कट करके डाल देंगे। प्याज ज़्यादा ही अच्छी लगती है उसमें, प्याज से उसको बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसमें 1 छोटा चम्मच राई और 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह फ्राई हो गई, उसमें हम लाल लहसुन की मिर्ची डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास लाल मिर्च ना हो तो हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा सा पीस कर वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लाल मिर्च का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी हमने पीसी हुई रोटी डाल देंगे, उसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आधी कटोरी मूंगफली के दानों को मैंने अच्छी तरह भूनकर दरदरा सा कूट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देंगे। उसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम मीडियम फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह पकने देंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह पकने देंगे। चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, देखकर ही खाने को बहुत दिल हो रहा है और तैयार भी बहुत ही टेस्टी हुआ है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।